संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती है। भारत की संविधान निर्माण का कार्य स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को दिया गया। संविधान निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समान धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। उनके विचार व आदर्श आज पथ प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, उसमें मानवता जिंदा रहनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। इस दृष्टि से उनने हमेशा प्रयत्न किया है, प्रयास किया और उनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट।